हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धोरण 12। आज का विषय है बीए, चैप्टर नंबर 1 संचालन स्वरूप और महत्व। आज हम जो पढ़ने वाले हो क्या है, संचालन की विविध सपाटी। तो संचालन किसे कहते हैं, हमने इससे पहले भी वीडियो में देखा है और आज फिर हम लोग देखते हैं कि संचालन जो होता है काम, ये काम को किस तरीके से किया जाए। तो काम करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन मुश्किल भी है कि अगर एक इंसान अगर काम करता है तो वो अपने हिसाब से काम कर लेगा और उसको जो भी परेशानी होगी वो अकेला उसको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब काम बढ़ता है तो काम के साथ साथ में उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काम के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। तो काम को अंजाम देने के लिए वो क्या करता है कि दूसरे कर्मचारियों को काम के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से वो काम को आसानी से पूरा कर सके। तो यह हम लोग को दिया ही है कि जब कोई संचालक, अब यहाँ पर दो सवाल है, एक संचालक और दूसरा संचालन। तो संचालक कहते कि इसको देखरेख रखने वाले को, काम करने वाले को, और संचालन कहते कि इसको कि जिससे वो काम ले रहा है, यानी कि संचालन हो रहा है काम को कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जिस तरीके से काम के अंदर इजाफा होगा तो आदमियों के अंदर यानी काम करने वाले कर्मचारियों के अंदर भी इजाफा होता है। तो जितना ज्यादा काम बढ़ता जाएगा उतना कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इस संचालन को करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उसकी कुछ सपाटी बनाई जाती है इस तरीके से कि उसके अंदर तीन किस्म की सपाटी दी गई है, जिसमें पहला जो सपाटी हम लोग को दिया गया है कौन सी है, देखिए संचालन तरीके कौन आएगा। यहाँ पर हम लोग ने लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर, जो अपने निचले अधिकारियों के ऊपर ध्यान रखता है और कोई भी अगर उसके पास काम है, कोई ऑर्डर होता है तो काम को नीचे देता है। जो दूसरे अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के पास जाता है, जो बीच की सपाटी में आते, मध्य सपाटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसका किसका समावेश किया गया था कि उत्पादन करने वाले, खरीदारी करने वाले, बेचाण करने वाले, कर्मचारी है जो काम करने वाले हुआ, और पैसे को महत्व दिया गया। यानी जब ऊपरी अधिकारियों को जब काम बांटना रहता है तो काम को इस तरीके से बांटे ताकि उसको भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास तीन सपाटी है, जिसके अंदर पहली सपाटी है उच्च सपाटी संचालन, मध्य सपाटी संचालन और थर्ड सपाटी यानी निचली सपाटी। तो उच्च सपाटी के अंदर आएगा संचालक मंडल या मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर। दूसरे है विभागीय अधिकारी के अंदर उत्पादन करने वाला, खरीदारी करने वाला, बेचने वाला, कर्मचारी काम करने वाला और पैसे का समावेश किया। उसके बाद तीसरी सपाटी के ऊपर है निरीक्षक यानी ध्यान दे रहे हो जॉबर काम करने वाले और फॉरमैन के माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले उच्च सपाटी के बारे में पढ़ना है। तो उस सपाटी का संचालन जो है, इसके अंदर हम लोग को बताया ही है कि ये संचालन करने के लिए सर्वोच्च सत्ता यानी कि एक ऊपले अधिकारी को चुना जाता है और वो उच्च सपाटी के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से इस सपाटी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर का समावेश किया जाता है। तो उच्च सपाटी के अंदर कौन से काम होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि जो काम होता है धंधा के एकम के हिसाब से जो भी काम होता है जो गौण है यानी कि जिसको करना जरूरी है, तो ऐसे काम को अंजाम देने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर पहले से इसका प्लानिंग करते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर यहाँ पर दिए है वो धंधे के एकम के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, यानी एक ट्रस्टी है वो अपने नीचे अधिकारियों को ऊपर ध्यान रखकर अपने काम को सौंपते रहते, देते रहते, वो करते रहेंगे उसके ऊपर वो ध्यान देता रहता है। तीसरी चीज यहाँ पर बताई गई कि जब भी कोई वहीवट करना होता है, कोई लेन देन करने का, कोई बिजनेस करना, धंधा करने का होता है, तो उच्च सपाटी जो होती है वो अपनी निचली सपाटी वाले को काम की बेचनी करती है यानी कि उनको जिम्मेदारियां देती है। तो उच्च सपाटी अपने निचले सपाटी के जो जुड़े हुए लोग अधिकारी है उनको काम की बेचनी करती है यानी कि देती है काम जिनको कौन सा काम करना है। उसके बाद उच्च अधिकारी जो होता है वो अलग अलग स्तर के हिसाब से एक अंदाज पत्र तैयार करता है, इसको मंजूर करता है कि किस तरीके से काम को बांटा जाए, काम का अंजाम किस तरीके से दिया जाए। उसके बाद ये काम जो होता है आयोजन करना है, प्लानिंग करना, तो आयोजन करना ये लंबे समय के लिए होता है कि उच्च अधिकारी इस काम को जब अंजाम देता है तो उसके लिए ज्यादातर ये ध्यान रखता है कि ये काम जो है लंबे वक्त के लिए होता है,
तो लंबे वक्त चलने के लिए और मुनाफा हासिल होने के लिए वो अलग अलग निर्णय लेता है, व्यूहरचना बनाता है, प्लानिंग करता है कि प्लानिंग के हिसाब से इस काम को अंजाम दे सके जिससे मुनाफा ज्यादा हो, कमा सके, हर संचालन के ऊपर, हर सपाटी के ऊपर वो ध्यान भी दे सके। उसके बाद हम लोग को यहाँ बताया है कि जब भी कोई समस्या आती है तो उच्च अधिकारी जो होता है संचालक मंडल, उसको जटिल समस्या यानी कि कोई बहुत हालात ऐसे आ जाते हैं तो उस समस्या से निपटने का यानी कि उसका समाधान भी उसके पास होना चाहिए, तो उसके लिए उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर उसके पास कानूनी जोगवाई के हिसाब से अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो कानूनी एतबार से इस समस्या को यानी कि परेशानी को हल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि इस योजना के अंदर जो भी घड़तर यानी कि जो नीति बनाई गई है या जिसके ऊपर उसको अमल करना नियम बनाए गए, तो उन तमाम चीजों के ऊपर देखरेख रखने का कार्य कौन करता है? उच्च सपाटी। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिया है कि जब भी कोई कंपनी को नफा होता है तो नफे की वेचनी करने में आती है डिविडेंड के रूप में या नफा का पुनरोपण, यानी कि जो नफा उनको मिला वो नफे में से अगर कुछ बचा है तो उसको धंधे को अगर आगे बढ़ाना है तो वो पैसा फिर से धंधे के अंदर लगाकर धंधे को वह बड़ा कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आखिरी बताया है कि अलग अलग प्रवृत्ति यानी अलग अलग काम उसके बारे में उसको अहवाल तैयार करने पड़ते हैं ताकि काम को अंजाम देकर बिजनेस को बढ़ाया जाए, काम को बढ़ाया जाए। जब इसके पास अलग अलग तरह की किस्म की जानकारी अगर होती है तो काम को किस तरीके से बढ़ाना, काम को अंजाम किस तरीके से देना, काम को यानी कि नफा किस तरीके से हासिल करना ज्यादा, तो तमाम चीजों के बारे में उसको अभ्यास करना जरूरी है और तमाम चीजों की जानकारी निचले अधिकारी तक पहुंचाने भी जरूरी होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी सपाटी यहाँ पर दी है मध्य सपाटी। तो मध्य सपाटी का संचालन क्या करता है कि मध्य सपाटी का जो संचालन है वो अपने ऊपरी अधिकारी और अपने निचले अधिकारी के बीच में है, यानी ऊपरी अधिकारी से जो भी ऑर्डर आता है उसका वो पालन करता है और पालन के एतबार से जो काम उसको नीचे के अधिकारी को देना होता है उस काम को बिक्री कर देता है यानी कि वो काम को बेच देता है, जिसकी वजह से ऊपरी अधिकारी और निचले अधिकारी के बीच की एक कड़ी है, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली कड़ी जो अगर कोई है तो विभागीय अधिकारी यानी कि मध्य सपाटी है, क्योंकि उपले अधिकारी और तट सपाटी दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मध्य सपाटी। जिसके लिए यहाँ बताया गया हम लोगों को कि इस सपाटी के अंदर किसका समावेश किया गया, तो इसके अंदर बताया गया उत्पादन, खरीद, वेचाण, कर्मचारी, नाणा, इन तमाम चीजें अधिकारियों को इसके अंदर समावेश किया गया है। अब बीज सपाटी का काम क्या है, बीज सपाटी कौन कौन से काम करती है, तो हम लोग को यहाँ पर दिया ही है कि बीज सपाटी जब ऊपरी अधिकारी यानी कि उच्च सपाटी से अगर कोई हुक्म आता है, कोई ऑर्डर आता है, कोई काम आता है तो निचले अधिकारी को उसको अधिकार के ऊपर आने के बाद उसके सूचनाओं का अमल करता है यानी उसकी बात को सुनता है, काम को अंजाम देना तो काम को शुरू करता है। उसके बाद वो अंदाज पत्र तैयार करता है, उसके बाद मंजूरी यानी कि अंदाज पत्र तैयार करने के बाद कि उसने एक बजट तैयार कर लिया, उस बजट के हिसाब से फिर से वो अपने ऊपरी अधिकारी के संचालक मंडल को अपनी मंजूरी देता है कि इस तरीके का उसने बजट बनाया हुआ। उसके बाद हर चीजों को ध्यान में रखकर नीति नियम जो भी परेशानी है तमाम चीजों को ध्यान में रखकर वो अपने एक रणनीति बनाता है, अपना एक प्लानिंग करता है जिसकी वजह से उसको योग्य मार्गदर्शन उच्च अधिकारी की तरफ से मिलता है। इसके बाद हम लोग को यहाँ बताया कि अगर कोई प्रवृत्ति ऐसी हो जो कार्यदक्ष यानी कि असर करता है यानी कि ऐसी कोई काम हालात ऐसे आ जाए जिसके अंदर उसको रुकावट आती है तो अपने उच्च अधिकारी से वो मशवरा लेकर भी उस काम को अंजाम देता है। उसके बाद वो अपने कर्मचारी यानी जिसके अंदर जो जितने निचले अधिकारी है उनको और उसके साथ में जो भी काम करने वाले उनको उन तमाम के अंदर एक उत्साह बढ़ाता है यानी कि जुस्सा बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है जिसकी वजह से काम को वो अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि कंपनी का जो दारोमदार है, काम का जो दारोमदार है वो कर्मचारी है, क्योंकि कर्मचारी को जितना प्यार से मोहब्बत के साथ उनके अंदर जितना उत्साह लाएंगे, जितना जुस्सा लाएंगे तो काम को उतना सही से, उतना आसानी से और जल्दी से करते हैं जिसकी वजह से उसका मुनाफा किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। और हर अन्य अधिकारियों के साथ में वो हमेशा कांटेक्ट के अंदर रहता है, संपर्क में रहता है यानी कि वो हमेशा एक दूसरे के हालचाल पूछता रहता है कि काम कहाँ तक पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, काम कितने दिन में खत्म हो जाए, तमाम चीजों की जानकारी अपने पास में रखता है यानी हमेशा अपने दूसरे कर्मचारियों के साथ में जोड़ बनाए रखता है। उसके बाद जो भी काम हो रहा है उसके अंडर में
या उसके निचले हिस्से में, तो उसके ऊपर वो ध्यान देता है। उसके बाद वो जो भी देख रेख करता है या तो जो भी माहिती जानकारी हासिल करता है उसका अर्थ गठन करके उसको ध्यान में रखकर अपने उच्च सपाटी को वो देता है। किस तरीके से उसने माहिती तैयार की, वो माहिती की रजुआ जो अपने उच्च अधिकारियों को देता है। उसके बाद तीसरी सपाटी जो हमारे पास में वो तड़ सपाटी यानी कि निचली सपाटी, निम्न सपाटी बोलते हैं उसको। उसके अंदर कौन कौन आएगा, तो हम लोग ने यहाँ लिखा है कि निरीक्षक हो, जॉबर और फॉरमैन। अब इनका काम क्या है, तो कि भाई इनको तो अपने उपले अधिकारी से जो भी ऑर्डर आया है इनको तो वो काम करना ही है और ये पगार के ऊपर रहते हैं। यानी जब उपला अधिकारी इसको अगर कोई काम देता है तो काम को बजा लाना यानी वो काम को अंजाम देने का काम करते हैं। तो इनका काम कौन सा होता है, कामदारों का कार्य यानी कि निरीक्षण करना यानी कि ध्यान देकर काम को अंजाम देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बताया कि काम को करते वक्त उनके अंदर एक शिस्त होना चाहिए और उनके अंदर जुस्सा होना चाहिए ताकि वो काम को अच्छी तरीके से कर सके। उसके बाद ये जो काम यानी कि इनको जो करना है वो रोजिंदा काम है यानी कि रोजाना का काम है, वो रोजाना एक ही काम करेंगे। जिस तरीके से ऊपर से ऑर्डर आएगा उस तरीके से उसका आयोजन करके उसका काम को अंजाम देते रहेंगे। और जब कर्मचारी के अंदर यानी कि काम करने वाला जब अच्छी मेहनत करता है तो मेहनत से खुश होकर ऐसे लोगों की या तो बदली बढ़ती इस तरीके से यानी उनको मिलती है यानी कि तालीम के हिसाब से यानी इनकी पोस्ट बढ़ जाती है, उनका दर्जा बढ़ जाता है। इसके लिए यहाँ पर अधिकारियों को सूचना के मुताबिक उनको काम को अंजाम देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि जो भी यंत्र यानी कि जो भी चीजें सामान जिनके पास आता है उस काम सामान को सही से इस्तेमाल करके उसका अंजाम तक पहुंचाना रहता है यानी कि काम करते वक्त सामान को सही माने में उसका इस्तेमाल करना है। उसी के बाद अगर कोई प्रश्न कोई सवाल ऐसा उनके सामने आ जाए जिसका जवाब उनके हाथ पास में नहीं है तो अपने उपले अधिकारी का कॉन्टेक्ट करता है और उनसे उसका जवाब हासिल करता है। तो तर्ड सपाटी के अंदर उनको भी अपने एक अहवाल तैयार करने रहते हैं कि उसने काम को किस तरीके से अंजाम दिया, किस तरीके से उसने मटेरियल का सामानों का इस्तेमाल किया। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अपने उपले अधिकारी को फरियाद भी कर सकता है कि अगर कोई चीज की कमी है, सामान है तो काम कर दे देगा लेकिन अगर कोई चीज की कमी है तो अपने निचले यानी कि उपले अधिकारी को उसके बारे में जानकारी भी देगा यानी फरियाद करेगा, सूचना देगा कि भाई हमारे पास ये सामान नहीं है, आप इसकी सहूलत कर दे ताकि हम काम को अच्छे से अंजाम दे सके। यानी इस तरीके से ये जो सपाटी है संचालन के अंदर की एक कड़ी है कि अगर उच्च सपाटी के साथ में मध्य सपाटी और निम्न सपाटी अगर जुड़ जाए तो काम को अंजाम देना आसान हो जाता है। यानी जितना ज्यादा काम उस तरीके से काम को बांटा जाता है और उस बांटकर अगर काम को अंजाम दिया जाए तो ये आसानी से काम को निपटाया जा सकता है और इससे ज्यादा मुनाफा भी हासिल किया जा सकता है और ज्यादा मुनाफा हासिल कर अपनी कंपनी का रेपुटेशन यानी कि अपनी कंपनी का नाम भी वो बढ़ा सकता है।